असल बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें रहीम प्यारे बहन भाइयों अगर आप रिस्क की वजह से परेशान हैं दौलत पैसा इज़्ज़त माल नहीं आती ना ही आपकी कोई इज्जत करता है घर में रिस्क नहीं तो फाके हैं दौलत नहीं पैसा नहीं तो दुनिया में रुसवा हैं तो क्यों ना हम अल्लाह पाक से मांगें और दुआ करवाएं एक ऐसी परी से जो हमारी अल्लाह से जाकर फ़रियाद करे और हर वक्त अल्लाह पाक के नाम की इबादत करती हो सुबहान अल्लाह की फातमा परी का अमल मैं आज आपको बताऊंगी बहुत ख़ूबसूरत और बहुत हसीन परी नूर की हाला फ़ातिमा परी की हाज़री भी होगी आपके घर में भी रहेंगी और आपके लिए दुआ भी करेगी और ये पंच तन पाक का जो नक्श है इसकी बदौलत वो आपके घर से कभी नहीं जाएगी जिस घर में भी ये नक्श मौजूद होगा उस घर में कभी जादू नजर काला जादू सफली इलम बंदिश जो बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देती है बंदिश उलाद में रिश्तों में शादियों में पैसों में रिस्क में इज्ज़त में दौलत बंदिश लगा दी जाती है नज़र बद लगा दी जाती है काला जादू कर दिया जाता है आज मैं इन सब का तरीक़ा आपको समझाऊंगी, अपने घर की मदद खुद करें जब आप मेरे बताए हुए अमल करेंगे ना तो आपको दोबारा किसी भी अमल को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये अमलियात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया सात तबाह गुनाह से बचो लोगों ने पूछा वो कौन से हैं आसरा ने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना जादू करना किसी को ना हक मार देना सूद खाना यतीम का माल खा जाना जहाज से भाग जाना और नेक और पाक पारसा औरतों पर तोहमत लगाना याद रखें जादू ना किया करें तावीज़ गंडे ना किया करें नक्श अल्लाह के कलाम के होते हैं नक्श से मदद ले लें जादू ना किया करें किसी को ना मारें किसी का पैसा ना खाएँ ख़ुद अल्लाह से मदद मांगें दुआ करें ये परी भी आपके लिए दुआ ही करेगी अल्लाह से मदद मांगें इन आपकी मदद होगी वक्त रात का इशा की नमाज का रात 10 बजे का टाइम ज़्यादा बेहतर है दिन जुमा नौ चंदी जुमा यानी जुमे रात की जब मगरिब गुज़र जाए तो जुमे का दिन शुरू हो जाता है यानी नौ चंदी जुमा शुरू हो जाता है ना कि जुमे को मगरिब हो जाए और उसके बाद हफ़्ता नौ चंदी हफ़्ता शुरू होता है अमल कब करना है नौ चंदी जुमे को ग्यारह बार दरूशिफ़ पढ़ना है और नमाज पबंदी से पढ़नी है अगर परी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं अपने घर का फ़र्द बनाना चाहते हैं जो आपके लिए दुआएं मांगे दौलत रिस्क पैसा बेहिसाब आए फरिश्ते भर भर अल्लाह पाक की तरफ से आपको झोलियाँ भर, भर अता करें तो ये अमल आप लोग जरूर करें नमाज ज़रूर पढ़ें अमल की तादाद एक सौ एक मरतबा है ठीक है ये जादू और बंदिश सफलीलम कालाइलम ख़त्म करने का ये एक गिलास पानी का अमल मैं आपको बाद में समझाऊंगी पहले परी को हाजिर करके घर में एक जगह दे दें ताकि परी वहाँ पर मौजूद हो जाए इस नक्श को बना लें इस नक्श को बनाने के बाद ये जो दायरा है ना स्या रंग का मैंने आप, आपको कई काजल बताए हैं चंबेली का काजल गुलाब का काजल अतर का काजल ठीक है कोई भी काजल ले लें ठीक है इसके ऊपर इस दायरे के अंदर लगा दें अगर तो इस परी को देखना है फातमा परी को तो ये इस दायरे में लगा कर तो खुशबू भी लगा सकते हैं अतर का भी काजल बना सकते हैं लगाने के बाद आपने सात दिन पढ़ाई करनी है बा परहेज़ परहेज में सिर्फ हम दूध दही अंडा और दूध जैसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे दही जैसी कोई भी चीज़ जिसमें ऐड होगी वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे ठीक है सात दिन आपने ये वाला अमल करना है ठीक है खालिक आम यहाँ से देखिए खालिक आलिम दाइम हाजिर शो हक के बद यहाँ से देखिए हक के हक के समावातु, ठीक है समावाती भी पढ़ा जाएगा समाावा भी पढ़ ले सुबहान अला फिर एक दफ़ा गौर से सुन लें खल के आलिम दाइम हाजिर शु ये देखें ये बाका ये नुकता है बेहक समावाती, समावातु दोनों पढ़ सकते हैं ठीक है सुबहान अल्लाह, कितनी बार पढ़ना है 101 सौ एक मरतबा अब वो लाखिर कितना द्रोशी पढ़ना है ग्यारह मरतबा पहले द्रोशी पढ़ें फिर आप एक सौ एक मरतबा ये पढ़ें फिर आप ग्यारह मरतबा द्रोशी पढ़ें द्रोशी पढ़ने के बाद इस स्याह दायरे में देखें सात दिन ये अमल इसी तरह करना है स्याह दायरे में देखना है यहाँ पे परी की हाज़िरी होगी यहाँ पर परी हाज़िर होकर आपसे बात करेगी आपको ख्वाब में भी हाजिर हो सकती है अमल के पहले दूसरे तीसरे दिन ख्वाब में आती है फिर तीसरे चौथे और सातवें दिन तक ये आपके सामने हल्का हल्का रोशनी आने लगेगी हाजिर होना शुरू हो जाएगी इस नक्श को बनाकर अपने घर में किसी भी जगह आप रख लें ठीक है इस नक्श को बनाकर किसी भी जगह रख लेंगे तो आपके घर में परी की हाज़री हर वक्त मुमकिन रहेगी वो किसी भी कोने में बैठकर आप लोगों के लिए दुआएं मांगा करेगी आप लोगों के लिए इबादत किया करेगी अगर आपके घर में बीमारी है दुआ करेगी या मेरे मेरे इस बंदे ने जो उनसा है इतनी दुआएं मांगी हैं आपसे अल्लाह पाक मैं इसके खातिर जोन सा यहाँ पर आकर बैठी हूँ ये मेरा मालिक है और मैं इसकी गुलाम हूँ या अल्लाह इसकी दुआ पूरी कर ले जो भी इंसान ये अमल करेगा परी उसकी ताबे हो हो जाएगी और उसके लिए दुआ करेगी फिर जब आपके घर में रिजक नहीं होगा तो कहेगी अल्लाह इस बंदे ने मेरे मुझे पुकारा मुझे बुलाया मुझे हाजिर किया और इसके घर में खाने को कुछ नहीं है या इसके घर में रिस्क दे दे पैसा दौलत इज्जत माल आप किसी भी जगह गिर नहीं सकते झुक नहीं सकते इतनी इज्जत आपको मिलती है ये एक ख़ास अमल का तरीका है जो आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा कभी ना कोई आपको सिखाएगा ना ही कभी आपको कोई बताएगा अब जब आपने ये अमल कर लेना है परी को हाजिर कर लेना है नक्श एक कोने में घर के किसी भी रख देना है और रखने के बाद परी उसी जगह पर उसी अगर जिस कमरे में भी आप ये नक्श बनाकर रखेंगे परी की हाज़िरी उधर ही हुआ करेगी परी उधर ही बैठकर इबादत किया करेगी सारा सारा दिन इस ज़िक्र का अल्लाह का ठीक है अब आपने जादू अपने घर में से कैसे ख़त्म करना है एक गिलास पानी लें पानी के अंदर सुबहान अल्ला की 101 सौ एक मरतबा तस्वीर पढ़ें तस्वीर पढ़ के पानी पर दम करें पानी पर दम करने के बाद पूरे घर में जितने भी फ़र्द हैं जितने भी लोग हैं उनको एक एक घूट पानी में पानी का पिला दें ठीक है ये इंसानों की काट हो गई इसी पानी को लें और पानी को स्प्रे बोतल में डालें और पूरे घर में छिड़का दें पानी ज़मीन पे गिरने नहीं चाहिए ठीक है नहीं तो फिर नुकसान होगा फ़ायदा नहीं होगा पानी का छिड़काव करें सारे घर में अगर आपकी दौलत पे बंदिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी किसी ने ये हिसार भी बता रही हूँ कि जब आप पानी का छिड़काव करोगे आपके घर का हिसार हो जाएगा दोबारा आपके घर में फाका कशी नहीं होगी रिस्क दौलत पैसा इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा तादाद में आएगा कि आप बोरियाँ भरते रह जाएंगे। अल्लाह पाक इतना रिस्क फरमाएंगे क्योंकि जादू और बंदिश काला इलम सफली और जो बद है वो तो ख़त्म हो ही जाएगी इन शाला ठीक है पानी के छिड़काव से लेकिन जब आप ये सारा अमल कर लें पानी सब फैमिली को पिला दें और जब आप पूरे घर में इस पानी का ही छिड़काव कर दें करना जुम्मे वाले दिन ही है इसमें नौ चंदी जुमे की पकड़ नहीं है किसी भी जुमे आप कर सकते हैं लेकिन पानी को ज़रूर आपने अपने जो घर में किसी भी कोना खाली ना रहे ठीक है वॉशरूम छोड़ दीजिएगा बाकी हर जगह छिड़काव कीजिएगा नंबर दो जब आप रात को परी को पुकारने का अमल करें अगर आप चाहते हैं कि परी की हाजरी ख्वाब में हो वो हमें ख्वाब में आके हमसे बातें करें या हमारे घर के हाल हवाल के बारे में बताएं या हमें रिस्क के लिए हमें कोई मतलब कि नुस्खा बताए दुआ अगर आप परी से बात करना चाहते हैं तो ख्वाब में भी कर सकते हैं रात को तीन मरतबा यही ज़िक्र पढ़ आप सो जाएँ ठीक है सोने के बाद परी किसी भी वक़्त ख्वाब में आपको पता भी लग जाएगा सुबह उठकर कर आपको वाज पता लगेगा कोई आपसे ख्वाब में मिला था ठीक है और इसका इस परी का एक जो बहुत अहतराम वाली परी है काबिल एहतराम है इसका एक फ़ायदा यह आपके घर में से इतनी महक आया करेगी इतनी खुशबू बिला वजह खुशबू आया करेगी जब आपको फील हो के आपके घर में खुशबू आई समझे परी हाज़िर हुई परी इबादत में लगी हुई है ठीक है आपके घर में इतनी खूबसूरत खूबसूरत महक आना शुरू हो जाएगी कि वो आपने कभी महसूस भी नहीं की होगी स्मेल भी नहीं की होगी ठीक है ये ख़ास अमल था जो अमलियात का जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा गलती की कोई गुंजाइश नहीं कुछ भी समझ ना आए कोई बात भी ना समझ आए एक दफ़ा ज़रूर अपनी बहन से पूछिएगा उसे जहाँ तक हो सका मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी इसके साथ ही इजाजत दें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा तमाम जो वीडियो है मदरसा फातमत उजहरा की तरफ से पेश की जा रही हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों अगर आप इस्तिखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या, या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ऑप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें जरूरत आपका नाम आपकी वारदा का नाम सिटी, सिटी टी, टी, ती, ती, कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इसखारा भी करवा सकते हैं, हैं। जजाकला और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रबा करें अगर इस्खारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करे आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला